हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ब्लड सप्लाई ओवरऑल, मतलब पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई। पूरी बॉडी मतलब हम उसमें अपर लिम्ब भी कवर करेंगे, थोरिक्स भी कवर करेंगे, हेड नेक भी कवर करेंगे, एब्डोमन भी कवर करेंगे एंड लोअर लिम्ब भी कवर करेंगे। मतलब आप सारी बॉडी की ब्लड सप्लाई को एक पेज में बनाएंगे, हम पूरी के पूरी बॉडी के ब्लड सप्लाई को इस एक पेज के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट तो हर वीडियो बनाते ही हैं। ओके, तो ये चार्ट बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि कोई सी भी चीज़ की ब्लड सप्लाई को आप टिप्स पे करना चाहते हो, कोई सी भी चीज़ की, हेड नेक हो, एब्डोमन हो, थोरेक्स हो, कोई सी भी एब्डोमन हो, लोअर लिम्ब हो, कोई सी भी जगह की आर्टरीज को टिप्स पे करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखिए आप और इस चार्ट को बनाइए। ओके, देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आई होप आपके लिए पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट को। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अवोल्टा से, और बेसिकली अवोल्टा निकलती कहाँ से है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो अवोल्टा से भी पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या है, दिस इज LV मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी से तो अवोल्टा निकलती है। और बेसिकली अवोल्टा ही तो हमारे पूरी बॉडी को प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, तो इससे हम निकालेंगे अवोल्टा। ओके, देखिए मैं आर्टरी को ओनली सिंगल लाइन से ड्रॉ करूँगा ताकि चार्ट अच्छा बने, मतलब सिंपल बने, ज़्यादा कच्चा पीछे मतलब कचरा ना हो चार्ट के अंदर, क्योंकि अगर मैं आर्टरी को डबल लाइन करके ड्रॉ करूँगा तो बिना बात ही कुछ नहीं, टाइम खराब होगा। ओके, तो मैं ओनली सिंगल लाइन से, ये क्या है, दिस इज अवोल्टा। अब देखिए आपको पता होगा अवोल्टा के थ्री पार्ट होते हैं, असेंडिंग अवोल्टा, आर्च ऑफ अवोल्टा, डिसेंडिंग अवोल्टा। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ड्रॉ की, दिस इज असेंडिंग अवोल्टा, उसके बाद क्या होगी, दिस इज आर्च ऑफ अवोल्टा, और उसके बाद क्या होती है, डिसेंडिंग अवोल्टा। ओके, तो मैंने ये पूरी की पूरी अवोल्टा ड्रॉ की। अब देखिए कब हम इसे असेंडिंग बोलते हैं, किसके बाद आर्च बोलेंगे, किसके बाद डिसेंडिंग बोलेंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एक होता है एक्सटर्नल एंगल, तो डॉटेड से मैं क्या खींच रहा हूँ, दिस इज द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल का लेवल है। मतलब असेंडिंग अवोल्टा एक्सटर्नल एंगल पे ख़त्म होती है, एंड होती है, और एक्सटर्नल एंगल, जैसे ही असेंडिंग अवोल्टा एक्सटर्नल एंगल पे एंड होती है, वहीं से क्या स्टार्ट होती है, आर्च ऑफ अवोल्टा। और बेसिकली आर्च ऑफ अवोल्टा एक्सटर्नल एंगल पर दोबारा एंड हो गई, मतलब आर्च ऑफ अवोल्टा एक्सटर्नल एंगल से ही स्टार्ट हुई और एक्सटर्नल एंगल पर ही एंड हो गई। ओके, एंड देन जैसे ही आर्च ऑफ अवोल्टा एक्सटर्नल एंगल पर एंड हुई, और उसी के बाद क्या स्टार्ट हो गई, हमारी डिसेंडिंग अवोल्टा। मतलब डिसेंडिंग अवोल्टा कहाँ स्टार्ट हुई, एक्सटर्नल एंगल से। देखिए हमने एक्सटर्नल एंगल में पूरा आपको बताया था। ओके, तो ये हो गई, तो ये बन गई डिसेंडिंग अवोल्टा। एंड देन देखिए डिसेंडिंग अवोल्टा थोरेक्स में होगी तो उसे बोलेंगे थोरेसिक डिसेंडिंग अवोल्टा, एब्डोमन में होगी तो उसे बोलेंगे डिसेंडिंग एब्डोमिनल अवोल्टा। एंड उसके बाद डिसेंडिंग अवोल्टा टू टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। टू टर्मिनल ब्रांचेज कौन सी होगी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, तो देखिए अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमारा मेन फोकस है अभी आर्च ऑफ अवोल्टा पे। ओके, तो देखिए सॉरी आर्च पे असेंडिंग को देख लेते हैं, असेंडिंग अवोल्टा इसकी क्या ब्रांचेज होती हैं। तो देखिए असेंडिंग अवोल्टा के आप दो ब्रांचेज पढ़ते हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो देखिए मैं दो ऐसे लिख रहा हूँ टिक, इसका मतलब क्या है, एक होगी राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कहाँ से निकलती है, ये अवोल्टिक साइनस से निकलती है। ओके, एंड सप्लाई करती है हर्ट को। ओके, ओनली हर्ट को। तो असेंडिंग में आपको बस दो ब्रांच पढ़नी है, उसके बाद होता है आर्च ऑफ अवोल्टा। आर्च ऑफ अवोल्टा की थ्री ब्रांचेज होती है, थ्री ब्रांचेज कौन सी, एक होगी हमारे पास दिस इज, ये कौन सी होती है, दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक। ओके, कौन सी होगी, दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। उसके बाद होती है दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और उसके बाद होती है दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन। ओके, तो दीज आर द थ्री ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ अवोल्टा। ये वाली कौन सी है, दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक, तो दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक, ब्रेकियोसिफेलिक। तो देखिए पूरी आर्टरीज ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायग्राम पूरा आर्टरीज के लिए है। ओके, तो दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ये कौन सी होगी, दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मतलब CCA। ओके, तो दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद ये क्या है, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी, तो ये सबक्लेवियन है तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो दिस इज सबक्लेवियन। ओके, तो आर्च ऑफ, दिस इज आर्च ऑफ अवोल्टा, इसने तीन ब्रांच दी, ब्रेकियोसिफेलिक, और देखिए ब्रेकियोसिफेलिक ये कौन सी है, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन, देखिए लेफ्ट साइड है ना, तो दिस इज लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ओके, सॉरी दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और ये कौन सी होगी, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन। ओके,
तो दीज आर द थ्री ब्रांच ऑफ आर्चोपोर्टा, ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी, लेफ्ट सब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, सीसीए मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस इज लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी. ओके, आते हैं ब्रेकियोसिपेलिक पे. अब देखिए, हमने ब्रेकियोसिपेलिक बोला तो हमने इस साइड राइट का कुछ यूज नहीं किया, मतलब इस साइड भी तो होगी ना. तो देखिए आगे जाके ब्रेकियोसिपेलिक इन दोनों में डिवाइड होती है, इन दोनों मतलब कॉमन कैरोटिड एंड सब क्लेवियन. तो दिस इज ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी, ये आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हुई, दिस इज सब क्लेवियन आर्टरी, दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी. ओके, तो ये कौन सी होगी, दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी. बेसिकली ये लेफ्ट वाली है तो ये कौन सी होगी, राइट वाली. ये लेफ्ट वाली सब क्लेवियन है तो ये कौन सी होगी, दिस इज राइट सब क्लेवियन. ओके, तो ये होगी हमारे पास राइट सब क्लेवियन आर्टरी. देखिए सिमिलरिटी है, यहाँ पे पेन रखा, इस साइड क्या है कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट वाली, तो इस साइड कौन सी होगी, राइट कॉमन कैरोटिड. इस साइड लेफ्ट सब क्लेवियन है तो इस साइड कौन सी होगी, राइट सब क्लेवियन. ओके, ये हो गई. ओके, अब देखिए आपको बताऊंगा कॉमन कैरोटिड आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड होती है. टू पार्ट कौन सा, एक होगा हमारे पास बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक होती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. कॉमन कैरोटिड आगे जाके दो में डिवाइड होती है, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये भी आगे जाके दो में डिवाइड होगी. एक होगी दिस इज, एक होती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. तो इनकी नेमिंग कर देते हैं. तो दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये कॉमन कैरोटिड है. इसके बाद ये दो में डिवाइड हुई, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यानी कि ईसी है, एक होती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ये भी कौन सी होगी, ये होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ये राइट वाली देखिए ना, लेफ्ट वाली भी दो में डिवाइड होगी तो राइट वाली भी दो में होगी ना. तो दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ओके, तो दो में डिवाइड हो गई. ओके, इसके बाद देखिए अभी आगे की बात करेंगे. उसके बाद क्या होता है, देखिए ये दोनों ऊपर की तरफ जा रही है. ऊपर की तरफ क्या होगा हमारा, हेड एंड नेक, मतलब ये चारों आर्टरीज राइट साइड की, राइट साइड की चारों छोड़िए, राइट साइड की कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड दोनों कहाँ जाती है, हेड नेक में, हेड नेक को सप्लाई करती हैं. उसके बाद जैसे सबक्लेवियन, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन कहाँ जाती है, हमारे अपर लिम में. तो देखिए सबक्लेवियन आर्टरी, उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी क्या बनती है, हमारी एक्जिलरी आर्टरी. देन एक्जिलरी आर्टरी क्या बनती है, ब्रेकियल आर्टरी. एंड देन ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है. टू पार्ट कौन से होंगे, एक होगी रेडियल आर्टरी, एक होती है अल्नल आर्टरी. ओके, तो ये हो गए. तो बेसिकली सब क्लीवन को कब हम एक्जिलरी बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ. ओके, ग्रीन से एक डॉटेड मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ. ओके, अब इन डॉटेड का मतलब क्या है कि देखिए इस ये वाले जो डॉटेड खींची है इसका मतलब है फर्स्ट रिब. मतलब कि जैसे ही सब क्लीवन आर्टरी फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, सब क्लीवन ने जैसे फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, अब इसे बोलते हैं हम एक्जिलरी आर्टरी. ओके, तो ये होगी एक्जिलरी आर्टरी. देन एक्जिलरी आर्टरी को कब ब्रेकियल आर्टरी बोलेंगे, अब क्या है ये ब्रेकियल आर्टरी. ओके, तो एक्जिलरी को कब ब्रेकियल बोलेंगे, जैसे ही एक्जिलरी आर्टरी हमारे टेरिस मेजर. ओके, ये क्या है, दिस इज टेरिस मेजर. टेरिस मेजर को क्रॉस करती है उसे बोलते हैं टेरिस मेजर के भी लोअर बॉर्डर को. ओके, तो दिस इज टेरिस मेजर मसल. ओके, तो जैसे ही एक्जिलरी आर्टरी ने टेरिस मेजर को क्रॉस किया, क्या बोलेंगे, ब्रेकियल आर्टरी. एंड देन ब्रेकियल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है रेडियल आर्टरी, तो ये वाली कौन सी होगी, दिस इज रेडियल आर्टरी. ये वाली कौन सी होती है, दिस इज अल्नर आर्टरी. ओके, तो दिस इज रेडियल, दिस इज अल्नर. कौन से, ब्रेकियल आर्टरी रेडियल एंड अल्नर में डिवाइड. कहाँ होती है, क्यूबाइटल फोसा में. आप पढ़ते हो ना क्यूबाइटल फोसा, वहाँ पे क्यूबाइटल फोसा पे ब्रेकियल आर्टरी टू में डिवाइड होती है. एंड देन देखिए इसके बाद ये आर्टरीज कहाँ जाती है, हमारे हैंड में. देखिए ना, इस साइड कौन सी होगी अल्नर, इस साइड होगी रेडियल. थंब है ना, तो इस साइड होगी अल्नर, इस साइड होगी रेडियल. अब दोनों आगे जाएगी और बेसिकली कहाँ जाएगी, हैंड में. और यहाँ क्या बनाती है, पाल्मर आर्चेज. ओके, अब देखिए पाल्मर आर्चेज, तो यहाँ पे एक काम की बात है बहुत तगड़ी वाली, वो ये कि देखिए अल्नर आर्टरी, तो अल्नर आर्टरी देती है, देखिए मैं इसको यहाँ बड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका रीजन ही बताता हूँ मैं अभी. अल्नर आर्टरी खुद आगे जा रही है और अल्नर आर्टरी से एक ब्रांच निकल रही है. ओके, तो देखिए ये हाईलाइट मतलब अल्नर आर्टरी खुद आगे जा रही है और अल्नर आर्टरी ने आगे जाने से पहले एक ब्रांच दी, इसका नाम क्या है, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी. क्या है ये, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी. ओके, उसी तरह से देखिए रेडियल आर्टरी आगे जा रही है, हाईलाइट मतलब कि ये रेडियल आर्टरी खुद आगे जा रही है, ये कोई ब्रांच ब्रांच नहीं है रेडियल आर्टरी. ओके, तो देखिए मैंने भी यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, मतलब कि
यहाँ पे ये रेडियल आर्टरी खुद आगे जा रही है, ओके, और रेडियल आर्टरी से भी एक ब्रांच निकलती है, तो ये मैंने एक ब्रांच बना दी। इस ब्रांच का नाम क्या है? दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच। तो इस ब्रांच को मैं इधर लिख रहा हूँ, इस ब्रांच का नाम क्या है? दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच। देखिए बहुत सी बुक्स में लिखा होगा सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। अब यार बेसिकली ऊपर है तो यार पाल्मर ही तो बोलेंगे, दिस इज पाल्मर, दिस इज डोर्सल, तो पाल्मर साइड दी तो बोल देंगे सुपरफिशियल पाल्मर आर्टरी ब्रांच, ओके। तो दिस इज द सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच, ये वाली जो कम एकदम सिंगल लाइन से हाईलाइट नहीं है, तो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल, ओके। अब क्या होता है, हम यहाँ बनाना है आर्चेज, पाल्मर आर्च बनाना है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, डीप पाल्मर आर्च, तो आपको थोड़ा दिमाग भी आ रहा होगा, मैंने डीप ब्रांच ड्रॉ की है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू डीप पाल्मर आर्च, सुपरफिशियल ब्रांच दिस इज रिलेटेड टू सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, मतलब जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है किसकी, सॉरी इसको इधर जाते हैं, चलो देख लेते हैं, जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है रेडियल आर्टरी की, वो क्या बनाती है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो ये आगे जाएगी और आगे जाके ये किस में मर्ज हो जाएगी? अल्नर आर्टरी में, मतलब अल्नर आर्टरी तो खुद गई लेकिन रेडियल आर्टरी खुद नहीं गई, रेडियल आर्टरी की गई सुपरफिशियल ब्रांच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के फॉर्मेशन में अल्नर आर्टरी तो खुद गई लेकिन रेडियल आर्टरी खुद नहीं गई, रेडियल आर्टरी की गई सुपरफिशियल ब्रांच, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? दिस इज, देखिए ना इसमें कौन सी इन्वॉल्व है? सुपरफिशियल ब्रांच, देखिए ना डीप ब्रांच तो अभी हमने आगे बढ़ाई नहीं ना, ओनली सुपरफिशियल बढ़ाई, तो दिस इज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। देखिए इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं, दिस इज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ओके। और बेसिकली अब इसके बाद देखिए मैं अब क्या है, ग्रीन से ड्रॉ करूँगा, देखिए आर्टरीज है, लेकिन समझाने के लिए इसके बाद क्या होता है, जो अल्नर आर्टरी होती है उसकी डीप ब्रांच आगे की तरफ कंटिन्यू होती है और बेसिकली क्या बनाती है? डीप पाल्मर आर्च। और इस इधर कौन आएगी? इधर आएगी रेडियल आर्टरी, मतलब डीप, ये क्या है जो ग्रीन वाला है, ये क्या है? दिस इज डीप पाल्मर आर्च, ओके। देख लीजिए यार, यूँ कर लीजिए ना, सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च, ओके। तो ये ग्रीन वाला क्या है? जैसे डीप पाल्मर आर्च, मतलब डीप पाल्मर आर्च में रेडियल आर्टरी तो खुद आ रही है आगे, रेडियल आर्टरी खुद आगे आ रही है, बट अल्नर खुद आगे नहीं आ रही है, अल्नर आर्टरी क्या आ रही है? डीप ब्रांच, ओके। समझना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सुपरफिशियल में क्या था? सुपरफिशियल में अल्नर आर्टरी खुद आगे आ रही थी लेकिन रेडियल खुद आगे नहीं आ रही थी, रेडियल की सुपरफिशियल ब्रांच आगे आ रही थी और बनाया सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जबकि डीप पाल्मर आर्च में रेडियल आर्टरी खुद आगे आ रही है बट अल्नर आर्टरी की डीप ब्रांच आगे आ रही है, ओके। फोकस करना, ओके ओके। तो ये हो गया सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च, कौन सा क्या बनाता है सब एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होता है, इन आर्चेस से निकलते, देखिए ना ये पाल्मर है तो यही बनता है सुपरफिशियल, यही बनता है डीप, यही तो बनेगा यार, देखिए ना ये सुपरफिशियल हो गया, एक डीप हो जाता है, यहाँ दो आर्च बनते हैं, ऐसे आर्च बनते हैं। अब बेसिकली ये आर्च कहाँ पे होता है? मेटाकार्पल बोन्स पे होगा ना, देखिए ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, तो मेटाकार्पल बोन्स पे ये आर्च होते हैं। तो देखिए इन आर्चेस से निकलती है मेटाकार्पल आर्टरीज, और मेटाकार्पल आर्टरीज आगे जाके क्या देती है? डिजिटल आर्टरीज, देखिए ना डिजिट से तो है, तो आर्चेज देती है मेटाकार्पल आर्टरीज, एंड आर्चेज और मेटाकार्पल आर्टरी, सॉरी आर्च है ना सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च, ये देता है मेटाकार्पल आर्टरीज, ओके। यहाँ से मेटाकार्पल आर्टरीज, ओके, एंड देन मेटाकार्पल आर्टरी आगे जाके देती है डिजिटल ब्रांचेज, मेटाकार्पल आर्टरी आगे जाके देगी डिजिटल ब्रांचेज, ओके। तो हमने बोल दिया ना हर्ट से डिजिट्स तक पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो हमने भी अपर लिम की बात की है ये वाली, अभी हमने देखिए ना, अभी हम थोरेक्स की बात करेंगे, हेड नेक की बात करेंगे, एब्डोमेन की बात करेंगे, लोअर लिम की, हर एक की बात करेंगे इस चार्ट में। ये चार्ट बिल्कुल धासु बनने वाला है, मैं बोल रहा ना, पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई आपको इसी चार्ट में मिलेगी, ओके। तो आर्चेस से निकली मेटाटार्सल आर्टरीज, एंड मेटाटार्सल आर्टरी आगे जाके डिजिट्स में सप्लाई करती है, मतलब डिजिटल आर्टरीज। तो ये हो गया, तो हमने अपर लिम की पूरी कवर कर लिया, पांचों एक्सट्रीमिटी देखनी है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड नेक, तो एक की बात हमने कर ली है। उसके बाद आते हैं हम हेड नेक पे, तो देखिए हेड नेक का बहुत सिंपल सा लफड़ा है, ज़्यादा नहीं है यार। अब देखिए ये क्या है, देखिए सबक्लेवन आर्टरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबक्लेवन आर्टरी है ना, ये भी क्या है? सबक्लेवन आर्टरी है। देखिए ये राइट साइड की बात की है, इधर हमने बोला लेफ्ट कॉमन कैविटी, लेफ्ट सबक्लेवन, तो लेफ्ट वाला इधर होगा ना, राइट साइड की बात की है, ओके। अब देखिए उस हमें हेड नेक की ब्लड सप्लाई को समझने के लिए, देखिए उसको एक और ब्रांच देखनी पड़ेगी, चार तो यहाँ है, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक और ब्रांच देखनी पड़ेगी, और उस ब्रांच का नाम क्या होता है? उस ब्रांच का नाम होता है वर्टिब्रल आर्टरी।
तो देखिए ये वर्टिब्रल आर्टरी मैंने कहाँ से निकाली, सबक्लेवियन से, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो ओके, तो सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है हमारे हेड नेक रीजन को। उसी तरह से ये क्या है, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी आगे क्या बनेगी, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आगे जगह क्या बनेगी, ब्रेकल आर्टरी। ओके, तो मैं वही यही आगे कंटिन्यू होगा। तो देखिए इस साइड का रिपीट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा ऐसा है वैसा ही इसके साथ होगा ना, जैसा राइट सबक्लेवियन आर्टरी के साथ हुआ वैसा ही लेफ्ट के साथ होगा। ये क्या है, दिस इज फर्स्ट रिब। ओके, वही फर्स्ट रिब है। उसके बाद दिस इज सबक्लेवियन, उसके बाद क्या बनेगी, एक्सिलरी आर्टरी, फिर देन क्या बनेगी, ब्रेकल आर्टरी। तो इसको छोड़ रहा हूँ। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी से इसकी एक ब्रांच ड्रॉ की वर्टिब्रल आर्टरी, तो एक वर्टिब्रल आर्टरी बेसिकली इस साइड भी होगी। ओके, तो जो ये ड्रॉ की है इसका नाम क्या है, दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी। इसको ड्रॉ करने का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये ब्रेन को सप्लाई करती है। ये भी कौन सी होगी, ये भी होगी हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो ये हो गए। अब देखिए छह आर्टरीज देख ली हमने, छह कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और डिटू तीन ऐसे ही इस साइड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, वर्टिब्रल आर्टरी। ये सारी छह की छह आर्टरी जाती है हेड नेक में और बेसिकली हेड नेक को सप्लाई करती हैं। अब कैसे सप्लाई करती हैं, तो आते हैं हम हेड नेक पे। तो देखिए इसको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ज़रा लंबा हो गया। ओके, तो देखिए यार वीडियो धसु बनने वाली है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सारा हम कवर करेंगे। अभी हम हेड नेक की बात करेंगे, उसके बाद हम थोरैक्स की बात करेंगे, देन एब्डोमेन की बात करेंगे, देन इसी में हम पूरा का पूरा पेल्विक एंड पूरा का पूरा लोअर लिम्ब कवर करेंगे। एक कॉमन चार्ट बनेगा जिसमें आप पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई को ड्रॉ करेंगे, आपको आपके कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होंगे। ओके, तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ यार घंटा दबा दीजिए, मतलब घंटा मतलब कि सब्सक्राइब बटन। ओके, मतलब आपने नहीं किया तो दबा दीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।